होल बना हुआ है, इस साइड में भी है। और ये मैंने लिया है पाउंडलैंड से। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Gardening started. Actually, shrubs started from gardening. Shallow dusting hua thoda sa. पहले जैकेट पहन लिया जाए, उसके बाद गार्डनिंग किया जाए। तो मैं आज हम लोग गए थे विल्को। विल्को से काफी सारा लेके आई हूँ, धीरे धीरे दिखाती हूँ। पहले हम लोग आज करेंगे गार्डन का मुआयना, कि कहाँ क्या क्या तोड़ फोड़ मचा है उसको ठीक करने के लिए। और इसको देखो, ठंड नहीं लग रहा इसको। तो ये सारा गमले में मट्टी तो है, लेकिन इसको ठीक करना पड़ेगा। स्वेटर पहनना नहीं है लड़की को, है ना? देखो, मम्मा ने ये दोनों बनाया है, टोप्पा और साथ में ये पोंचो, दोनों मम्मा ने बनाया है, है ना बेटू? मम्मा ने बनाया। देखो, अच्छा लग रहा है ये यहाँ का। देखो पोंचो, ये मैंने बनाया है, हाँ, क्रोश से बनाया है, टोपी भी और पोंचो भी। तो चलो गार्डनिंग का सामान मैं दिखाती हूँ, मैं लेके आती हूँ पहले कि मैंने क्या क्या लिया है। ये देखो धनिया, ये हम लोगों ने जो धनिया लगाया था, छोटा छोटा सा निकला है अभी। तो ये है जुगाड़, लास्ट टाइम भी देखा था ब्राइटन में हम लोग लेके आए थे, विल्को से ही लेके आए थे। तो इस बार फिर से मिल गई है। शिफ्टिंग के टाइम पर ये फेंक दिए थे क्योंकि लेके नहीं आ पाए इसमें। तो ये प्लांट को सपोर्ट देने के लिए बढ़िया रहता है। और ब्लैकबेरीज लिया है मैंने, देखो ये मैंने लिया है पाउंडलैंड से। ये लिया है हिया ने बर्ड फूड, देखो। और ये देखो, ये सीड्स लिए बहुत सारा। और ये है शिव, हाय बोल दो। हेलो। तो गार्डनिंग स्टार्ट हो गया ऑलरेडी। आज हम लोग थोड़ा सा सीडलिंग करेंगे, थोड़ा सा वो करेंगे। और क्योंकि बहुत सारे में फरवरी में, जनवरी में, कुछ में मार्च में, सबका अलग अलग मंथ रहता है बीज को डालने का, तो वही हम लोग करने वाले। ये है फ्लावर वाला, ये देखो मैं दिखाती हूँ एक एक करके क्या लिया। ये 1 pound का है, रेट इसका सबका लिखा हुआ है, ये देखते जाना। फ्लावर कब आएगा, जून से अक्टूबर में फ्लावर आएगा, इसको सो करना है फरवरी टू जून में। और ऐसे कलरफुल आएंगे। और ये जो है हिया ने उठाया है, तो ये जो है ना, ये अच्छा रहता है, पॉलिनेटर्स का काम करता है, क्योंकि ये जो है ना बीज वगैरह और ये सब को अट्रैक्ट करता है। तो लोग गार्डन में आएंगे और फिर बाकी के प्लांट्स जो फ्लावर है उसको पॉलिनेट करेंगे, इससे वेजिटेबल्स वगैरह लगते हैं, तो ये अच्छा रहता है। ससुराल गेंदा फूल, तो वही है मैरीगोल्ड गेंदा। इसमें दो कलर का है, एक येलो और एक थोड़ा ऑरेंजिश। तो भी फरवरी मार्च और हाँ। और ये है दूसरा, ये है कॉर्न, 1 pound 50 pence का है, स्वीट कॉर्न। टमाटो, ये है कुका मेलन। मेरे ख्याल से इसको इंडिया में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन शायद मैंने एक आध बार सुना था इसको काचरी कहते हैं, जो कि एज अ सलाद खाते हैं, चटनी बना के भी खाते हैं। थोड़ा सा इसका टेस्ट जो है ना खट्टा 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 सा, थोड़ा सा कुकुम्बर जैसा, ऐसा मिक्स लिखा भी हुआ है देखो इसमें। इसको शायद काचरी कहते हैं, मुझे नहीं मालूम, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट करना, कमेंट करके बताना अगर आप लोगों को पता हो कि इसको क्या कहते हैं। मैरो, तो मैरो लिया है ये देखो, इसको भी 100 times लिखा है। और ये है 1 pound 50 pence का, ये इस तरीके का होता है, सब्जी बना के खाने में अच्छा लगता है ये। हम लोग जब लास्ट टाइम गए थे, मेरे ख्याल से फार्म गए थे, वहां से मैं लेके आई थी ये तोड़ के, अच्छा लगता है सब्जी बना के खाओ तो। कॉर्जेट जैसा है। हाँ, कॉर्जेट। अगर आप मतलब, पता नहीं इंडिया में मैंने नहीं देखा है, मिलता होगा अभी तो नहीं पता। ये वो लौकी है ना, वैसे टाइप का है, काइंड ऑफ लौकी टेस्ट उसका। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? पेपर। ये देखो हरी मिर्ची, चेरी टमाटोज, टर्निप, ये छोटी वाली ऐसे गोल गोल मूली होती है,
सेम टेस्ट होता है मूली जल सा। ये है बीटरूट। तो ये है हमारा पूरा सीड का बास्केट और करेंगे अब गार्डनिंग स्टार्ट। तो अभी हल्की ठंड थोड़ा सा कम होगा ना उसके बाद बाहर डालेंगे, उसके पहले सीडलिंग करके अंदर रख देंगे जब तक छोटा छोटा प्लांट निकलेगा। जितने भी बाहर लगाओ ये उड़ के ही जाने वाला है, मेहनत करके फ़ायदा नहीं है। कोई से भी साइकिल में लगाओ ये उड़ के ही जाने वाला है। इतना हवा है ना यहाँ पे कि साइकिल में कवर रहता नहीं है। और यहाँ पे प्रॉब्लम है कि बारिश होती है और हमारे पास कोई ऐसा शेड वगैरह भी नहीं है, तो बारिश में भीगता रहता है। तो थोड़ा सा ही टाइम बाहर है और हाथ जमने लग गए। देखो आसमान देखो, मस्त लग रहा है ना ये देखो, इस साइड ब्लू ब्लू है। आज का मतलब वेदर अच्छा था, दिन भर का मस्त धूप धूप था, लेकिन क्योंकि क्लियर स्काई है ना तो इसलिए ठंड और ज़्यादा है आज। एकदम भयंकर वाली ठंड है, एकदम जमने वाली ठंड है। और थोड़ा सा भी बिना ग्लव्स के निकलो ना तो जम गया, अभी मेरा हाथ एकदम लाल लाल होने लग गया, इतनी ठंड है। और अभी शाम का वेदर फोरकास्ट है भी कि हल्का बारिश आएगा, पता नहीं कब आएगा बारिश आएगा और फिर टेम्परेचर और ज़्यादा ड्रॉप होगा। सुबह भी आज भयंकर ठंड था। यूके में लोग गर्मी के मौसम में बारबेक्यू करते हैं और इंडिया में ठंड के टाइम पे बारबेक्यू करते हैं, यहाँ पे उल्टा है। क्योंकि यहाँ पे ठंड में इतनी ज़्यादा ठंड होती है ना कि आप बाहर बैठ नहीं सकते हो, पूरा जम जाओगे पूरा। तो इसलिए यहाँ पे गर्मी के मौसम में सबके गार्डन से धुआं निकलते हुए दिखेगा क्योंकि सब बारबेक्यू करते रहते हैं स्पेशली वीकेंड में। तो ये है हम लोगों का हाल। तो हिया आज गार्डनिंग कर रही है, हिया आज के गार्डनिंग है। बांग्ला था ब्लॉगिंग कर रहा हूं, बांग्ला थे हिंदी थे पर बांग्ला थे। हिया आज के गार्डनिंग को अच्छे तो मर गए। ए की म्यूजिक बच्चे फन अच्छे क्रिसमस चले अच्छे एकदम पाक। तो वेदर बहुत अच्छा है आज, सनी वेदर है और ठंड थोड़ा सा कम है आज। और हिया स्कूल जा चुकी है, अभी ऑलमोस्ट थोड़े देर बाद उसको लाने का टाइम भी हो जाएगा। अभी 12 बज रहे हैं और आज है अगला दिन, यानी कि 2 दिन बाद ये वीडियो मैं फिर से बना रही हूँ। और ठंड थोड़ा कम है और आज ना मैंने एक नया चीज़ बनाया, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने उस दिन शायद मैंने वीडियो में दिखाया था, हाँ मैंने वीडियो में दिखाया था कि बर्ड फीडर हम लोग देखने के लिए गए थे। तो मैं खांसी हो गई है फिर से। सो उस दिन आप लोगों ने देखा ना कि मैं बर्ड फीडर लेने गई थी और हम लोग देख रहे थे बर्ड फीडर, लेकिन उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से नहीं लिए बर्ड फीडर को। और मेरे पास आइडिया आया कि DIY किया जाए, क्योंकि बर्ड फीडर जो हम लोग देख रहे थे ना वो जो थोड़ा सा बड़ा साइज़ वाला ले रहे थे ना वो काफ़ी महंगा पड़ रहा थे, अराउंड मेरे ख्याल से 7 या 8 pounds का था। महंगा मतलब ले सकते थे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि फालतू का क्या मतलब है जब मेरे पास DIY वाला आइडिया है। तो मैंने सोचा घर पर ही बनाया जाए, और कुछ चीज़ें अगर आप घर पर बना दो ना तो इससे बच्चे भी सीखते हैं। तो इसलिए मैंने और हिया ने, हम दोनों ने मिलकर बर्ड फीडर बनाया है पुराना बॉटल से, खाली पड़ा रहता है बॉटल काफ़ी सारा। सो इस तरीके से आप भी बना सकते हो, मैं दिखाती हूँ आपको दूसरे साइड से। तो आप लोग भी आइडिया लेना और आप लोग भी इसमें चिड़िया का खाना डाल के बालकनी में या गार्डन में, आप भी कहीं पर भी खिड़की में कहीं पर भी आप बांध देना तो उन लोगों को खाने के लिए हो जाएगा। और ऐसे में ना बच्चे भी सीखते हैं ये सब छोटे छोटे चीज़ें, और अच्छा भी लगता है बच्चों के साथ ये सारी चीज़ें एक्टिविटी करने में। तो इसलिए हम लोगों ने वहाँ से लिया नहीं। और साथ ही आज मैं टमाटो के सीड्स जो है ना उसको सो करने वाली हूँ, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो धीरे धीरे वीडियो जो है इसमें ऐड होता जाएगा जैसे जैसे बनता जाएगा। और ही आ गई है स्कूल और उसको शिव अपना काम कर रहे हैं, और मैं थोड़ा सा गार्डन का मज़ा ले रही हूँ। ठंडा ठंडा हवा चल रहा है और गार्डन में आज थोड़ा सा गार्डनिंग करूँगी, फिर रूटीन जो दिन भर का रूटीन रहता है वो चलेगा। और ये देखो पीछे का हाल, देखो ये मैंने बनाया है बर्ड फीडर, सिंपल जो प्लास्टिक का पानी वाला बॉटल रहता है ना उसी को लिया है।
दोनों डंडा था छोटा सा स्टिक टाइप का, उसको हाफ तोड़ करके ऐसे बैठने के लिए बर्ड्स लोग यहाँ पे बैठेंगे। और आप देखो सामने से मैं दिखाती हूँ, थोड़ा सा पास करती हूँ जूम, ये देखो ये वाला दिख रहा है, यहाँ पर होल बना हुआ है, इस साइड में भी है। और अगर आप देखो तो थोड़ा ऊपर आइए, ये देखो इधर होल है, इधर भी होल है, ये देखो यहाँ से, तो यहाँ से बर्ड्स लोग खाना खाएंगे, इसमें बैठेंगे और इसमें खाना खाएंगे, है ना, अच्छा आइडिया। तो हिया को भी मज़ा आया और वो बोली कि और भी बनाएगी, तो मम्मा बेटू दोनों ने मिलकर ये बनाया है और इसको अभी यहाँ रखी हूँ। और मैं प्लान कर रही हूँ कि दो तीन और बना के एक ये झाड़ी वाला जो है ना इसके अंदर एक लगा दूँगी, क्योंकि इसके अंदर चिड़िया लोग रहते हैं, तो वहाँ पर टांग दूँगी अंदर और बाकी बाहर फ्रंट में लगा दूंगी। तो ये मैं अपना सारा सामान लेके बैठ गई हूँ, ये सारे सीड्स हैं, और इसमें मैं अभी देख रही थी कि कौन से मंथ में लगाना है, तो उसको आज जो जो सीड्स जनवरी फरवरी में लगाना है उसको मैं लगा दूंगी। फरवरी स्टार्ट हो चुका है, आज फर्स्ट डे है फरवरी का, 1 फरवरी। तो ये सारी चीज़ें आज हम स्पेशली टमेटोज ही मुझे दिख रहे हैं जो कि देखो जनवरी में लगाना है, और बाकी जो है सारे कुछ फरवरी के हैं, तो फरवरी जो है वो मैं थोड़ा मिड फरवरी में सोच रही हूँ लगाने का। और बाकी आज टमाटो जो है ये तीनों चेरी टमाटोज ये तीनों आज लगा देंगे, और ऑलरेडी बैंगन तो लगा दिया है मैंने। और ये देखो ये चिड़िया वाला खाना, इसको मैंने डाला है, बाकी है बहुत सारा तो इसको डाल देंगे। सो इसको लेके मैं आ गई हूँ, लगाते हैं इसको, भयंकर वाली ठंडी हो रही है इसलिए मैंने ये पूरा लगा लिया है। और मुझे इस तरीके से शिप देखकर बोलते हैं दादी या नानी लग रही हो तुम पूरी, लेकिन क्या करूँ मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, मुझे तो ऐसा लग रहा है ग्लव्स ही पहनो, मुझे ठंडी बहुत ज़्यादा लगती है। तो चलो लगाते हैं इसको, और इसमें देखो ये एक दिया है, जब आप सीड को लगाओगे तो इसको ये टैग ऐसे निकाल के ऐसे इसको डिप कर सकते हो, मतलब डिप मतलब मिट्टी के अंदर, तो फिर पता चलेगा क्या लगाया है कौन सा सीड। चलो लगाते हैं फटाफट, खाना भी बनाना है इसलिए जल्दी जल्दी वाला निपटा के फिर खाना बनाऊंगी। चलो I've seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change. And if you have that yellow petrol, and in the back you have fire, because the astronauts love to go in the moon. His name astronaut because everyone like to go in the moon. If you go, anyone not like sun and not go to sun because it's full of fire. There are good people where they can rescue us because you are in the tummy. Then how can they will found and they will see where are you and if you are saying here then they will go in the wrong place. The astronauts can ask the aliens if they eat one people. I will give you a question and you have to say the question, okay? Okay. If the astronaut has plane and not rockets. सो तैयार हो गई हूँ मैं और निकल रही हूँ हिया को लेने। आज है नया दिन, वीडियो पार्ट पार्ट में बन रहा है, मैंने बताया ही था, तो आज है नया दिन।
और हिया स्कूल गई थी, आज उसका फॉरेस्ट डे था, बहुत ज़्यादा उसको पसंद है फॉरेस्ट डे में जाना। मतलब सभी बच्चे लोगों को पसंद है क्योंकि लेके जाते हैं उन लोगों को इधर उधर फॉरेस्ट में, सब दिखाते हैं उन लोगों को, सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, तो उसको बहुत मज़ा आता है उसमें। तो बस स्कूल छुट्टी होने का टाइम हो गया, मैं तैयार हो गई हूँ और आज ठंड थोड़ा सा फाइनली थोड़ा सा कम है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है क्योंकि यहाँ पे यूके में ना बहुत फ्रीक्वेंटली वेदर चेंज होता है, अभी ठंडी तो अभी गर्मी, ऐसे टाइप का रहता है। तो तैयार हो गई हूँ, बस अब निकल रही हूँ हिया को लेने और आज का व्लॉग यहीं ख़त्म किया है जाए। हिया की स्टोरी तो आप लोगों ने सुनी ली, ऐसे ही हम लोगों को स्टोरी सुनाते रहती है। तो चलो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं बहुत ही जल्दी नए व्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ। चलो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। I've seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not the same.